नमस्कार, आप इस सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। हरियाणा के जिले यमुनानगर के थाना साइबर क्राइम की पुलिस ने साइबर ठगी के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। टीम ने बिहार के कटिहार में साइबर ठगी को अंजाम दे रहे 12 आरोपियों को 30 मोबाइल व 8 लैपटॉप के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये जानकारी दी है कि उनको ये जानकारी मिली थी कि किस तरीके से भाजपा की पार्षद जो है प्रीति जौहर ने अपनी UPI से 5 लाख रुपये ट्रांसफर किए थे। इसके बाद डिलीवरी बॉय का नंबर दिया था। करीब 1 घंटे बाद सामान कुरियर से प्राप्त हो गया। इस बीच उनके खाते से अलग अलग 6 बार 4,45,996 रुपये कट गए थे। यह पैसे काटने का पता लगते ही उन्होंने बैंक की स्टेटमेंट टिकवाई तो जिस नंबर पर 40,000 रुपये ट्रांसफर हुए थे, इस नंबर पर प्रीति जौहर ने कॉल किया तो उसे गाली गलौज करी और धमकी देने लगा, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने साइबर थाना जगाधरी के वार्ड नंबर 6 की पार्षद प्रीति जौहर से साइबर ठगी करने के आरोप को बिहार के जिले बख्तारपुर के गांव हरियो निवासी सुरजीत कुर को सहरसा बिहार से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने जानकारी देते हुए कहा कि कटिहार के पुलिस के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया और इसमें 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आप सभी को जानकारी देते टीम ने साइबर ठगी को अंजाम दे रहे 12 आरोपियों को पकड़ लिया है। पुलिस के थाना साइबर क्राइम में एक FIR जो है वो मार्च 2023 में दर्ज हुई थी, जिसमें लोकल जिला पार्षद जो हैं उनके उन्होंने कंप्लेंट दी थी ठीक है 4,54,000 के करीब उनके पैसे ऑनलाइन ठगी से ब्लू डार्ट कोरियर के नाम पे ठगे गए हैं। पहले एक आरोपी को जो है वो बिहार से ही गिरफ्तार किया गया था पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम की टीम के द्वारा। उसके बाद उसकी पूछताछ और अन्य विश्लेषण के बाद एक अन्य आरोपी नितेश कुमार के बारे में पता लगा और उसके लिए जिला कटिहार में थाना सहायक के क्षेत्र में रेड की गई। इसके लिए इसकी गिरफ्तारी के लिए हमारे पास अरेस्ट वारंट था। इसके लिए जब रेड की गई तो वहां पे ये पाया गया कि ऑनलाइन गेमिंग का एक गिरोह जो है वो वहां पे काम कर रहा था। उसमें 12 सदस्य थे जो वो दिन रात वहीं पे 29 लैपटॉप और 29 मोबाइल फोन और 8 लैपटॉप जो है वो वहां पे इस्तेमाल हो रहे थे। कई सिम कार्ड्स और अन्य सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वहां पे मौजूद थे, उन सबको सीज किया गया। लोकल पुलिस को बुला के ऑनलाइन गेमिंग के विषय में एक अन्य FIR दर्ज कराई गई। हमारा जो आरोपी है उसको ट्रांजिट रिमांड पे लेके लोकल न्यायालय में पेश किया गया। वो 7 दिन के रिमांड पे है और उसकी पूछताछ के और अन्य विश्लेषण के आधार पे जो भी आरोपी इसमें अन्य शामिल होगा उसके लिए दोबारा रेड की जाएगी और गिरफ्तारी करके रिकवरी। इसके बारे में अभी हम ICJS में सर्च करेंगे और जब कोर्ट में हम फाइनली इसको पेश करेंगे तो सारा इसका पूर्व रिकॉर्ड जो है वो भी पेश किया। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।